सो फाइनली दोस्तों, मच अवेटेड फिल्म यानी कि ट्रिपल आर के डायरेक्टर एस एस राजामौली की निगाहें अब टिक चुकी हैं ईद 2022 को। जी हाँ दोस्तों, ईद 2022 को आपको पता है कि अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रनवे 34 आ रही है और उसके साथ टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 आ रही है। और दोस्तों आपको पता है कि ये मूवी ट्रिपल आर है जो 7 जनवरी को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। और एस एस राजामौली देख रहे हैं कि अच्छी रिलीज डेट क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी रिलीज डेट अब उनको ईद 2022 ही लग रही है। और दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि अब ईद 2022 पर ट्रिपल आर मूवी वो लेकर आते हैं या फिर नहीं। अगर आते हैं तो इस सिचुएशन में अजय देवगन अपने रणवीर 34 के साथ क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन रणवीर 34 को पोस्टपोन करेंगे या फिर क्लैश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लैश में आपको पता है कि अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 भी होगी और फिर हीरोपंती 2 भी होगी, इसके साथ ही ट्रिपल आर मूवी होगी। अब देखना जज होगा कि कौन सी मूवी कितना बाजी मारती है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं।